शहर में दिन प्रतिदिन डकैती के मामलों में वृद्धि होती नजर आ रही है। इसी बीच मानकापुर पुलिस ने पेट्रोलिंग करते दरमियान 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनसे कुल 80,550 का मुद्देमार पुलिस द्वारा जब्त किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुवार को मानकापुर पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी, जिस दौरान गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर उन्होंने 5 युवकों को संदेहास्पद हालत में देखा, जिसके बाद उनसे पूछताछ करने पर उनके पास से प्राणघातक हथियार समेत दोपहिया वाहन ऐसा कुल 80,550 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया। इस संदर्भ में अधिक जानकारी मानकापुर पुलिस स्टेशन की पुलिस निरीक्षक वैजयंती मंडलधारे इन्होंने दी। दिनांक 11/2/2015 सपोनी सुमित परतेगी गुन्हे शाखा युनिट क्रमांक 2 हे स्टाफ सह पेट्रोलिंग करीत असताना मिळालेल्या गोपनीय माहितीवरून दर्शना सोसायटी पिटेसूर न्यू टॅलेंट कराटे स्कूलच्या मैदानाजवळ मोकळ्या जागेमध्ये 5 इसम हे शस्त्रासह संशयितरित्या मिळून आल्याची खात्री झाल्याने त्यांचे ताब्यातून एकूण 3 शस्त्रे व 2 व्हेकल्स असा एकूण अंदाजे 80,500 रुपयाचा मुद्देमाल जप्त करून API परतेकी यांच्या तक्रारीवरून कलम 399/502 भादली सहकलम 425 आम ऍक्ट आणि मको 135 मुंबई पोलीस कायदा अन्वये गुन्हा नोंद करण्यात आलेला आहे। यामध्ये एकूण 5 आरोपी असून त्यांच्याकडून 2 व्हेकल्स आणि 3 शस्त्रे जप्त करण्यात आलेली आहे। इस दौरान मानकापूर पुलिस ने निखिल होले, आकाश मडावी, तुषार केवट, रोहित बहोरिया, प्रज्वल शिंदे ऐसे कुल 5 आरोपियों को भानवी की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवार, BC News नागपुर।